वेलकम क्लास एक्सरसाइज 5.3 के अगले क्वेश्चन देखते हैं। कुछ देखिए क्वेश्चन नंबर आज मैं कराऊंगा पहले आपको 12, 13, 14 तीनों सेम एक ही जैसे हैं। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर क्या कह रहा है, ये फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो हमें स्टार्टिंग के 40 और ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेने जो 6 से डिविजिबल हो। पहला तो हो जाएगा 6, दूसरा हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 18, 24। इसमें 6 का टेबल लिख देना है, इनका भी सम निकालना है। यहां से आप देख रहे हो ए की वैल्यू 6 दी हुई है, बी देंगे तो 12 माइनस 6 60 हो जा रहे हैं। एन 40 इंटीजर निकालने एन इज इक्वल 40 हो जाएगा। अब एस 40 निकालना है तो 40 बाय 2 कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे। ऐसे नेक्स्ट दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 15। सेम क्वेश्चन 15 के 8 मल्टीपल्स दिख रहे हैं। तो पहला तो 50 30 45 60 ऐसे ही कंटिन्यू करते चले जाएंगे और अगर 8 का निकालेंगे तो आई थिंक 120 आएगा। तो ए की वैल्यू पता है 15, बी निकालेंगे 30 माइनस 15 वो भी 15 हो जाएगा, एन की वैल्यू पता ही है 8, ऐसे निकाल रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इजी से हैं, इन्हें मैं लगवा नहीं रहा हूं, आप इन्हें नोट कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। तो देखिए उसे कैसे करेंगे, इजी से क्वेश्चन है इसे आप लोग नोट कर लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे आप अपने आप से। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। सीधे सीधे सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 0 और 15 में ऑड नंबर होता है 1, प्लस अगला होगा 3 5 7। ऑड मीन जो 2 से डिविजिबल ना, ऐसे चलते चले जाएंगे 0 और 15 तो लास्ट होगा 49। 50 तो इवन होता है, 50 से पहले आएगा 49, तो ये हो जाएगा ऑड। अब इनका हमें सम निकालना है, ऐसे अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसमें किसका यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ऐसे वाला ए इज इक्वल 1 दिया है, डी इज इक्वल 3 माइनस 1, तो डी इज इक्वल 2 हो जाएगा। एन की वैल्यू नहीं पता है हमें, बट हमें ए एन की वैल्यू पता है 49, और हमें एस एन निकालना है। तो ए निकाल लेंगे पहले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 49, 1 प्लस एन माइनस 1 टू 49। एन की वैल्यू 25 हो जाएगी। जाहिर सी बात है 1 और 50 के बीच में आधे आधे 25 होंगे इवन, 25 होंगे और। तो वही चाहते तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, अब इसके थ्रू ने कर दिया तो 25 वैल्यू आ गई इनकी। अब हमें एस एन निकालना है, तो 25 अपॉन 2 2 इंटू 1 प्लस 10 माइनस 1 25 माइनस 1 और डी की जगह पे 2 पुट कर देंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे और इनके आंसर हो जाएंगे। तीनों क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, पहले मैं इसको छोड़ दिया था, देखिए इसको मैं बाद में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, और हमें पहले क्वेश्चन में ए एन इज इक्वल 3 प्लस 4 एन दिया हुआ है, दूसरे में हमें ए एन इज इक्वल 9 माइनस 5 एन दिया हुआ। तो ये आप लोग होमवर्क करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। तो पहला पार्ट मैं आप लगा कर देखता हूँ, तो उसमें हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है। हमें टर्म तो पता ही नहीं, तो हमें ए एन की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस 4 एन। तो यहाँ पर पहले पुट करेंगे, एन इज इक्वल 1 पुट करेंगे, ए
वन आ जाएगा, मीन पी वन आ जाएगा और ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर इंटू वन, और मतलब फोर प्लस थ्री सेवन हो जाएगा। एट टू एन थ्री के टू पुट करेंगे तो थ्री प्लस फोर इंटू टू, फोर टू जाए एट प्लस थ्री इलेवन, ए थ्री सो थ्री प्लस फोर इंटू थ्री, फोर थ्री जाए ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन। ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी, हमें निकाल ले पंद्रह टर्म तक तो हम ए फिफ्टीन यानी कि टी फिफ्टीन की ओर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर इंटू फिफ्टीन हो जाना है एक्स की जगह पर, एन की जगह पर फिफ्टीन को होता सिक्सटी, सिक्सटी प्लस फोर सिक्सटी थ्री, तो हमारी सीरीज बन जाएगी सेवन प्लस इलेवन प्लस फिफ्टीन प्लस डैश 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 प्लस सिक्सटी थ्री। इनका हमें सम निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए, ए की वैल्यू पता है हमें सेवन, बी की वैल्यू इलेवन माइनस सेवन तो ये हो गई फोर, एम की वैल्यू पता ही है हमें दी हुई है फिफ्टीन, पंद्रह टर्म का निकालना है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म को एल से डिवाइड करेंगे सिक्सटी थ्री, तो इसको आप दोनों में मैट्रिक्स लगा सकते हैं ए तो वही एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या तो आप चाहें तो शॉर्ट वाले मैट्रिक्स से एन बाई टू ए प्लस एल से लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू में पता है एन है, एन दिया हुआ है फिफ्टीन अपॉन टू सेवन प्लस सिक्सटी थ्री, सिक्सटी थ्री प्लस सेवन सेवेंटी हो जाना है, फाइव ट्वेंटी फाइव इसका आंसर आ जाएगा, सो इसे नोट कर लीजिए। और सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेम जैसे मैंने भी लगा के दिया वैसे लगाना है, तो वो वाला आप नोट करेंगे, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, इसे नोट कर लीजिए।